अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इमामुद्दीन। होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का वीडियो है गुलबर्गा टू मुंबई जाने वाला, जहां पे मैं एक्सप्लोर करूंगा मुंबई की जर्नी और कितना टाइम लगेगा, टोटल ड्यूरेशन क्या लगेगा और क्या क्या हर्डल्स फेस करेंगे। अभी हो रहा है 12 बजे, जो हम गुलबर्गा से निकल रहे हैं मुंबई के लिए। टोटल अभी हमारा व्हीकल चल सकता है 368 किलोमीटर, जो बैंगलोर में ऑटो कट पे फिल कराया था डीजल। ओके, अभी जब तक ये 200 किलोमीटर अवेलेबल है तब तक हम चलाएंगे, उसके बाद फिर से ऑटो फिल कराएंगे। ओवरऑल डिस्टेंस है अराउंड 541 किलोमीटर गुलबर्गा टू बैंगलोर। तो इंशाल्लाह हमें 200 किलोमीटर चलाने के बाद या 150 किलोमीटर चलाने के बाद हमें फ्यूलिंग करने की जरूरत पड़ेगी। फिर मिलते हैं आगे। अभी हमने ये डिसाइड किया है कि कर्नाटक का बॉर्डर में ही पेट्रोल डलाएंगे, ताकि 10 रुपीस का डिफरेंस मिलेगा। महाराष्ट्र में एंटर होते ही एवरी लीटर 10 रुपीस एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर मैं 60 लीटर डलाता हूँ तो 600 रुपीस एक्स्ट्रा देंगे, इसलिए बिफोर एंटरिंग महाराष्ट्र बॉर्डर हम फिर से ऑटो फिल कराते हैं। ओके, हमने कर्नाटका बॉर्डर में ही फ्यूल करा लिया, इसलिए कि यहाँ पे 88 बैंगलोर में पड़ा था मुझे 87.50 पैसा पर लीटर। ओके, यहाँ पे 88, अगर वही मैं मुंबई में चेक करता हूँ महाराष्ट्र में तो 106 पर लीटर, तो मुझे ऑलमोस्ट 15 रुपीज सेव हो गए, इसलिए मैं अभी फिल करा लिया। हमारी व्हीकल चलेगी अराउंड 730 किलोमीटर एंड एन एवरेज ऑफ 14.9। पूरा कम्प्लीट सिंगल रोड है। ओके, अगर डबल रोड मिलता है तो हम क्रूज लगाएंगे, जहाँ पे हमें मिलेगा एन एवरेज 18 का। वेज के साथ पाव भाजी खाते हुए मुंबई में, पाव भाजी और वेज बिरयानी के साथ डिनर हो गया है। अभी वो रूम बुक करके फिर इंशाल्लाह मॉर्निंग हाजी अली एक्सप्लोर करेंगे। ये वो होटल है जहाँ पे एक लीटर दूध 280 रुपीस में लिया गया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग गाइस। फाइनली रात में 2 बजे के करीब हम मुंबई पहुंच गए थे, लेकिन हमने पुणे में ही ओयो में रूम बुक कर लिया था मुंबई लोकेशन के हिसाब से, जो हाजी अली के आसपास करीब हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितना एक्सपेक्टेड था ओयो से उतना नहीं मिला। हमेशा जो भी ओयो कन्फर्म करता था ऑर्डर, ओके, जब उस लोकेशन पे जाते थे तो वो बोलते थे कि रूम फुल्ड है, ओयो से हमारा टाई अप नहीं है। मतलब 36 का आंकड़ा था ओयो से और प्रॉपर्टी मैनेजर से। तो फाइनली हमने क्या डिसाइड किया कि गूगल पे सर्च करते हैं नियरेस्ट होटल्स बोल के, जहाँ पे हाई रेटेड होटल्स हमने फाइंड आउट किया। और माहिम में हमें एक अच्छा सा होटल मिल गया जहाँ पे हम स्टे कर सकते हैं। अराउंड मॉर्निंग 3:30 AM कुछ हमने चेक इन किया, उन्होंने चेक इन अलो प्री चेक इन भी अलो किया, तो थैंक्स उसके लिए। और बस इतना ही, अभी हाजी अली जाने का प्लान है, हाजी अली जाएंगे। हाजी अली का पूरा वीडियो आएगा, देखते रहिएगा। जैसे मैं पिछले वीडियो में बताया, कल हम स्टे हुए थे माहिम में, तो अभी हम जा रहे हैं हाजी अली दरगाह, जो अराउंड मुझे माहिम से अराउंड 10 किलोमीटर पड़ रहा है। ओके, तो इंशाल्लाह वहाँ पे जाते हैं हाजी अली, वहाँ पे पार्किंग कैसा है पूरा एक्सप्लोर करते हैं। दरगाह के पास जा रही है बेटा हाजी अली। हसन 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 हाजी अली जा रही बेटा। मैं पहली बार हाजी अली दरगाह मुंबई, मैं और मेरी फैमिली के साथ। पानी में नहीं है,
शाम के 7 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, जो अराउंड 15 किलोमीटर है अपने डेस्टिनेशन से और 42 मिनट्स दिखा रहा है। वहां जाके देखते हैं कि वर्थ ट्रैवलिंग 15 किलोमीटर विद 42 मिनट्स। वेस्ट साइड के आगे हमें एक अच्छी खासी पार्किंग मिल गई है, जहां पे 3 आवर्स के लिए 150 रुपीज चार्ज किया, तो हमने यहाँ सक्सेसफुली, ये वेबसाइट बोल के होटल है, इसके आगे पार्क कर दिया है। अभी जा रहे हैं हम इंडिया गेट।
अरे चुनाव में तो